भूमि माफियाओं का और राजस्व कर्मचारियों का गहरा रिश्ता जुटा जा रहा है। और सबसे मजे की बात यह है, सरकार बदलने के साथ भूमि माफिया उन सरकारों के साथ शरीक हो जाते हैं। बुधवार को दूसरी पाली में चर्चा करते हुए भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि कई ऐसे विभाग हैं जहां से आपको सीधे तौर पर परेशानी तो नहीं मिलेगी जब तक आप उस विभाग में जाते नहीं हैं, जब तक कि उसके काम आपका नहीं पड़ता है, लेकिन राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि घर बैठे आपको परेशान कर सकती है। दरअसल ये जो बातें आपने कही किस संदर्भ में? मैंने इसी संदर्भ में, देखिए जमीन का मसला है और भूमि जो है वो बढ़नी नहीं है, भूमि सिमट रही है, दाम बढ़ रहा है और भूमि माफियाओं का और राजस्व कर्मचारियों का गहरा रिश्ता जुट जा रहा है। और सबसे मजे की बात यह है, सरकार बदलने के साथ भूमि माफिया उन सरकारों के साथ शरीक हो जाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये विभाग ऐसा है कि जहां लोगों को परेशानियां आपके घर बैठे आ सकती है। आज ही मुझे जानकारी मिली थी कि वहां गोड्डा में पढ़िया जनजाति का परिवार था, तो उसकी ज़मीन जो है गैर आदिवासी को दे दी गई दत्तक पुत्र दिखा के, जबकि उसके अपने पुत्र हैं, आपके बच्चे हैं, किसी और को सामने करके किसी और के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, आज ऐसा ही एक मसला आया कि रांची में एक सज्जन रहते हैं, उनकी वाइफ के नाम से हजारीबाग में ज़मीन थी, उनकी वाइफ के नाम से फर्जी दिखा करके वो ज़मीन रजिस्ट्री कर ली गई। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने डीसी हजारीबाग को लिखा 3 महीने के अंदर जांच कीजिए, आज 3 साल हो गए हैं वो जांच पूरी नहीं हुई है। तो जब कभी इस नेक्सस पे ये जो भूमि माफिया अंचलाधिकारी थाने पे अगर कोई आवाज़ उठता है तब इसका हश्र होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हजारीबाग की घटना है कि RTI कार्यकर्ता राजेश मिश्रा के डिक्की में राजस्व निबंधन विभाग के कर्मचारियों ने जो है अफीम रख करके उनकी गिरफ्तारी करवा दी। बाद में जांच में वो साबित हुई सिर्फ इसलिए कि उनको उजागर कर रहे थे। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो ज़मीन के साथ माफियाओं का रिश्ता है और सरकार बदलने के साथ वो माफिया उनके साथ एक हो जाते हैं, ये शायद ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक बात जो आपने कही कि तकरीबन 1925 आवेदन जो लीगल वे में जो कि काम के जरिए जो देते हैं लोग उनको रद्द कर दिया जाता है और गैर मजरुआ जमीन जिसका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए उसका भी म्यूटेशन। मैंने स्पष्ट उदाहरण कहा कि सरकार ने कहा कि भाई हम अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई जो म्यूटेशन के मामले समय से रद्द नहीं होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये देख करके अंचलाधिकारियों ने 1 महीने के बाद जो भी पेंडिंग होती उनको खारिज करना शुरू किया। मैंने सरिया का उदाहरण दिया कि वहाँ 1925 जो जेन्युइन मामले थे वो खारिज कर दिए गए और गलत तरीके से म्यूटेशन हो गए। वहाँ के SDO ने जांच किया, उनके ऊपर कहा कि ये सही से न्याय नहीं कर सकती हैं। कार्मिक ने उनके ऊपर लिखा कि भाई इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू किया और वैसे लोग निलंबित भी नहीं होते हैं। तो ये सारे सवाल हों या फिर GM लैंड के समय मैंने जो कहा कि अगर PSU GM लैंड का मुआवजा दे सकती है तो NHI भी कोई प्रोपकारी नहीं है। एशियन हाईवे जो बन रहा है पूरी सड़क पे टोल ली जाते हैं, पैसे वसूले जाते हैं, तो वहाँ भी जो GM लैंड से संबंधित किसान हैं 30 सालों से उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। ज़मीन का जो सवाल है खास करके झारखंड में, तकरीबन 10 साल से मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, काफ़ी हत्याएं भी होती है और गलत तरीके से जिस तरीके से एक दूसरे का ज़मीन तीसरे के नाम से कर दिया जाता है, यहाँ की एक ज़मीन को चार चार लोगों के नाम कर दिया जाता है। आप जब सरकार से सवाल कर रहे हैं इस तरीके का, सरकार क्या आश्वासन दे रही है? आपको लगता है कि कुछ इस पे काम हो पाएगा? ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हत्याएँ हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे जो प्राइमरी दोनों हैं थाना और अंचल, ये दोनों की भूमिका को ठीक किए बगैर, ये दोनों पे जो संबंधित दोषी हैं उस पर कार्रवाई, लोगों को अगर प्रारंभिक न्याय नहीं मिल पाता है, त्वरित नहीं न्याय मिल पाता है, तो ज़मीन एक ऐसा लोगों की मानसिकता से जुड़ा हुआ मसला है कि छोटे छोटे मसलों में हत्याएं तक होती हैं, घायल होना तो आम बात है। और इसके लिए प्राइमरी रूप से जिम्मेवार हैं हमारे अंचल और थाना, वो अगर उन विरोधों को उन खबरों को अगर सटीक तरीके से हल लेते तो इस तरह के अपराध घट सकते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विनोद सिंह थे जो कि कह रहे थे कि ज़मीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे जो निचले स्तर का जो चीज़ है वो थाना और अंचल को ठीक करना होगा, तभी जाकर के जितनी भी समस्याएं ज़मीन से जुड़ी हुई आती है वो ठीक हो पाएगा। शुक्रिया।
share, and subscribe. www.thefollowup.in